अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 11 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 को क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है वहां तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एंड पार्ट 3 इज 0.259। और यहाँ पे ये जो 259 है ये रेकरिंग डिजिट्स हैं। दिस इज इक्वल टू 0.259 259 259 एंड सो ऑन। This is equal to 0.259 plus 0.000259 plus 0.000000259 plus so on। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है इसमें A1 है 0.259 के इक्वल। अब फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो को, तो उसके लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.000259 डिवाइडेड बाय 0.259। अब इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.001। अब यहां पे देखा जा सकता है हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ आर है वो लेस देन 1 है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला एस इंफिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। अब हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा, A1 की जगह आ जाएगा 0.259 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा 0.001। दिस इज इक्वल टू 0.259 डिवाइडेड बाय 0.999 एंड दिस इज इक्वल टू 259 ओवर 999। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेकरिंग डेसिमल है उसका वल्गर फ्रैक्शन बन रहा है 259 ओवर 999। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 1.53 और यहाँ पे ये जो 53 है ये रेकरिंग डिजिट्स है। दिस इज इक्वल टू 1.53 53 53 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.53 53 53 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.00053 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और यहाँ पे A1 है 0.53 के इक्वल, R इज इक्वल टू 0.0053 ओवर 0.53 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01। एक ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। तो यहां पे हमारे पास एस इंफिनिटी आ जाएगा 0.53 ओवर 1 माइनस 0.01। दिस इज इक्वल टू 0.53 ओवर 0.99। दिस इज इक्वल टू 53 ओवर 99। तो यहां पे ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज
इसका सम आ रहा है 53 ओवर 99 के इक्वल। अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 53 ओवर 99 एंड दिस इज इक्वल टू 99 प्लस 53 ओवर 99। 99 प्लस 53 इज 152 ओवर 99। तो यहाँ पे गिवन रेकरिंग डेसिमल का जो वल्गर फ्रैक्शन बन रहा है वो है 152 ओवर 99। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 0.159 और यहाँ पे ये जो 159 है ये रेकरिंग डिजिट्स हैं। दिस इज इक्वल टू 0.159 159 159 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 0.159 प्लस 0.000159 प्लस 0.000000159 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इट इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और यहां पे A1 है 0.159 के इक्वल एंड R इज इक्वल टू 0.000159 ओवर 0.159 एंड दिस इज इक्वल टू 0.001। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.159 ओवर 1 माइनस 0.001। दिस इज इक्वल टू 0.159 ओवर 0.999 एंड दिस इज इक्वल टू 159 ओवर 999। तो यहाँ पे गिवन रेकरिंग डेसिमल का जो वल्गर फ्रैक्शन बन रहा है वो है 159 ओवर 999। नेक्स्ट है पार्ट 6 0.147 और यहाँ पे ये 47 रेकरिंग डिजिट्स हैं। दिस इज इक्वल टू 0.147 47 47 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.047 प्लस 0.00047 प्लस 0.000047 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। एज 0.047 प्लस 0.00047 प्लस 0.000047 प्लस सो ऑन इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और इस सीरीज में A1 है 0.047 के इक्वल। R फाइंड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 0.00047 ओवर 0.047 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। This is equal to 0.047 over 1 minus 0.01. This is equal to 0.047 over 0.99. ये हमारे पास आ जाएगा 47 over 990 के इक्वल। अब हमारे पास आ जाएगा 0.1 प्लस और जो इनफाइनाइट सीरीज का सम है
वहां पे आ जाएगा 47 ओवर 990. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 47 ओवर 990. अब यहां पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 990, तो डिनोमिनेटर में 990 लिख देते हैं और न्यूमरेटर में आ जाएगा 99 प्लस 47. 99 प्लस 47 इज 146 ओवर 990. दिस इज इक्वल टू 73 ओवर 495. 146 एंड 990 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, तो यहाँ पे जब 2 के साथ कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 ओवर 495. तो जो गिवन रेकरिंग डेसिमल है उसके इक्विवेलेंट जो वल्गर फ्रैक्शन आ रहा है वो है 73 ओवर 495. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यू प्लस सो ऑन, आर एंड के बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहां पे ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसके सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस इंफिनिटी के साथ. तो यहाँ पे लिखते हैं लेट S infinity is equal to R plus 1 plus K into R square plus 1 plus K plus K square into R cube plus so on. अब यहां पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो सीरीज है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस K के साथ. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस के, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के ओवर 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे न्यूमरेटर में जो 1 माइनस के है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के इंटू आर, देन आ जाएगा प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इज 1 माइनस के स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर इज 1 माइनस के क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन. This is equal to 1 over 1 minus k into, अब हम 1 minus k को multiply कर देंगे r के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा r minus r k plus 1 minus k square into r square is r square minus r square k square plus 1 minus k cube into r cube is r cube minus r cube k cube प्लस सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के.
अब यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज है, इसको हम अब दो सीरीज में स्प्लिट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी पहली सीरीज r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन, देन आ जाएगा प्लस, और दूसरी सीरीज आ जाएगी माइनस आर के माइनस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस आर क्यूब के क्यूब माइनस सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो सेकंड सीरीज है इसमें देखा जा सकता है माइनस आ रहा है कॉमन, तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को लेंगे कॉमन, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वन माइनस के इंटू आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन माइनस इंटू आर के प्लस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही हैं, तो पहले हम कंसीडर करते हैं ये जो फर्स्ट सीरीज है इसमें ए वन है हमारे पास आर के इक्वल, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओवर आर एंड दिस इज इक्वल टू आर। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा आर ओवर वन माइनस आर। अब यहाँ पे सेकंड सीरीज को कंसीडर कर लेते हैं, इसमें ए वन है आर के इक्वल, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर आर के, दिस इज इक्वल टू आर के। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर, तो हमारे पास आ जाएगा आर के ओवर वन माइनस आर के। तो अब हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वन माइनस के इंटू फर्स्ट जो सीरीज है उसका सम आ गया है आर ओवर वन माइनस आर, एंड सेकंड सीरीज का सम है आर के ओवर वन माइनस आर के, दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस के। अब यहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर के, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आर इंटू वन माइनस आर के माइनस आर के इंटू वन माइनस आर, दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस के इंटू आर माइनस आर स्क्वेयर के माइनस आर के प्लस आर स्क्वेयर के ओवर वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर के। दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस के इंटू, अब यहां पे देखा जा सकता है माइनस आर स्क्वेयर के कैंसल आउट हो जाएगा आर स्क्वेयर के साथ, और हमारे पास अब न्यूमरेटर में आ जाएगा आर माइनस आर के ओवर वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर के, दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस के। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास r आ रहा है कॉमन, तो r को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस k के साथ ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस r इंटू वन माइनस आर के, वन माइनस के कैंसल आउट हो जाएगा 1 माइनस k के साथ, तो अब हमारे पास आ जाएगा r ओवर वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर इंटू के। तो यहाँ पे गिवन इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो आ चुका है आर ओवर वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर के इक्वल, सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ
y is equal to x over 2 plus 1 over 4 into x square plus 1 over 8 into x cube plus so on. And if x is greater than 0 and less than 2, then prove that x is equal to 2y over 1 plus y. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो है y is equal to x over 2 plus 1 over 4 x square plus 1 over 8 x cube plus so on. Given series is y is equal to x over 2 plus 1 over 4 x square plus 1 over 8 x cube plus so on. और ये एक infinite series है. अब यहाँ पे हमारे पास a1 है x over 2 के equal. यहाँ पे ये जो y है ये represent कर रहा है sum of an infinite series which means s infinity is equal to y. अब हम r find कर लेते हैं. r is equal to 1 over 4 into x square is x square over 4 और ये divide हो जाएगा x over 2 के साथ. This is equal to x square over 4 into 2 over x. x square के साथ cancel out हो जाएगा and 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो हमारे पास आ जाएगा x over 2. तो common ratio आ चुकी है x over 2 के equal. We know that x is greater than 0 and less than 2. तो यहाँ पे हमारे पास जो modulus of r होगा वो less than 1 आएगा. तो यहाँ पे हम formula use करेंगे s infinity is equal to a1 over 1 minus r. s infinity की जगह हमारे पास आ जाएगा y and this is equal to a1 की जगह आ जाएगा x over 2 divided by 1 minus r की जगह भी आ जाएगा x over 2. देन हमारे पास आ जाएगा y is equal to x over 2 divided by यहाँ पे LCM आ गया 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 minus x. देन हमारे पास आ जाएगा y is equal to x over 2 into 2 over 2 minus x. 2 से 2 हो जाएगा cancel और y हमारे पास अब आ जाएगा x over 2 minus x के equal. अब right side पे ये जो 2 minus x, x के साथ divide हो रहा है, इसको shift करेंगे left side पे, तो हमारे पास आ जाएगा y into 2 minus x is equal to x. y into 2 is 2y minus y into x is xy. This is equal to x. अब left side पे ये जो minus xy है इसको shift करेंगे right side पे तो आ जाएगा 2y is equal to x plus xy. 2y is equal to x plus xy में से common आ रहा है x और ये multiply हो जाएगा 1 plus y के साथ. अब right side पे ये जो 1 plus y है इसको shift कर देंगे left side पे तो आ जाएगा 2y over 1 plus y is equal to x. तो यहाँ पे x आ चुका है 2y over 1 plus y के equal. Hence, proved. So, this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट कर लिया है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.